गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. एज यू नो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ एंड एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये यूनिट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. रीज़न क्योंकि ये यूनिट हमारा 16 मार्क्स का है तो बहुत ज़्यादा वेटेज भी है, तो हमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन से इसे कम्प्लीट करना है. सो इंट्रोडक्शन चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए. तो आज का जो टॉपिक है वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाज इंप्लीमेंटेड इन आर कंट्री इन सेप्टेम्बर 1872. कि 1872 सेप्टेम्बर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में अप्लाई हुआ. इन विच देयर वर अ टोटल ऑफ 266 सेक्शंस. की अगर हम बात करें दैट टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टोटल 266 सेक्शंस वर देयर, बट सम सेक्शंस वर डिसमिस्ड फ्रॉम दिस इन 1930 एंड 1932 बिकॉज ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 एंड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वर इंट्रोड्यूस. पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही इंटीग्रल पार्ट हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनका कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने की वजह से, ट्रांजेक्शन्स में प्रॉब्लम आने की वजह से इनके सेपरेट एक्ट बना दिए गए. इज इट क्लियर? दिस इज द बेसिक रीज़न कि जो बीच के सेक्शंस हमें गायब होंगे, ठीक है, वो हमारे जैसे कि अब आपके पास नीचे जो 4 कैटेगरीज दे रखी है सेक्शंस की, उसमें से एक कैटेगरी गायब है सेल्स ऑफ गुड एक्ट की, जो कि है सेक्शन 76 to 123. इज इट क्लियर? इन्हें हटा दिया गया. फॉलोइंग दीज चेंजेस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज करेंटली एज फॉलो. प्रेजेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके ये प्रोविजंस हैं हमारे सामने. सेक्शन 1275 जो फर्स्ट पार्टीशन है हमारा, विच इज 1275, इट कंटेन्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि जनरल टर्म्स में किए जाते हैं और जो हाफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जहां ऑफर एक्सेप्टेंस पूरी तरीके से नहीं होते, उसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्कस इन द चैप्टर्स नेक्स्ट पार्ट. द सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी विच कवर्स सेक्शन 124 to 147. एज वी कैन सी 76 to 124 पार्ट इज मिसिंग, विच इज जिसे हमने अलग से एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी. ठीक है, इंडेमनिटी एंड गारंटी आर रिलेटेड टू फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर रिलेटेड टू फ्यूचर अनसर्टेनिटीज एंड गारंटी आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी. इट इज ऑल्सो डिस्कस इन द 10th चैप्टर. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, इट इज सेक्शन 148 to 181. की सीधी सी बात करें तो ये जो सेक्शन है ये हमारा कवर करता है सेक्शन 148 से 181. और बेलमेंट मीन्स कि जब हम हमारे गुड्स कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए दूसरी पार्टी को दे जाते हैं, ठीक है, और प्लेज का मतलब जब गिरवी रखा जाता है एज ए सिक्योरिटी, तो हम उसे प्लेज कहते हैं. एंड द लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विच इज 182 to 238. कि लाइक मैं अपने बिहाफ पर किसी और पर्सन को वर्क दे रहा हूँ, वो मेरे बिहाफ पर मेरी अथॉरिटी से काम कर रहा है, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. इज इट क्लियर? नाउ वी आर स्टार्टिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मीनिंग एंड डेफिनेशन विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द 11th क्लास एज एन इंट्रोडक्शन, बट टूडे वी विल डिस्कस मीनिंग एंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम,
विच लिटरली मीन्स मीटिंग विथ वन अनदर, कि ये जो वर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम से आया है जिसका मतलब है मिलना एक दूसरे से. सो द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स. हम इस डेफिनेशन को लिख देते हैं, ठीक है. द कॉन्ट्रैक्ट is an agreement between two or more parties between two or more parties individuals which creates legal obligations and rights ठीक है. सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में, जो कि इंडिविजुअल्स होंगे या हो सकते हैं, विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स. और इस एग्रीमेंट से दोनों पार्टीज के कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होंगे, कुछ लीगल राइट्स क्रिएट होंगे, उसी को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. दैट मीन्स देर आर टू एलिमेंट्स, द फर्स्ट इज एग्रीमेंट एंड द सेकेंड इज लीगल ऑब्लिगेशन एंड राइट्स. ठीक है. तो जिस एग्रीमेंट, जहां एक एग्रीमेंट होगा जिससे लीगल ऑब्लिगेशन एंड राइट होंगे, दैट मीन्स इन केस ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ प्रॉमिस द अदर पार्टी कैन गो टू द कोर्ट, रीजन इट हैव लीगल राइट. इज इट क्लियर? सो इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑल्सो बीन डिफाइंड. ऑल्सो वेरियस स्कॉलर्स एंड जजेस हैव एक्सप्लेन इट इन देयर डिसीजन. बहुत सारे जजेस वगैरह ने भी एक्सप्लेन किया है. वी स्टडी हियर द डेफिनेशन गिवन बाय सम स्कॉलर्स एंड इन द एक्ट. कुछ डेफिनेशन हमारे सामने गिवन है स्कॉलर्स की, ठीक है. नाउ वी रीड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन के हिसाब से. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय द लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ध्यान से समझना वही डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ी है. एन एग्रीमेंट which is enforceable by law, that means you have the legal rights and obligations, is called contract. Is it clear? An agreement, jo agreement hoga, that means ye hamesha parties ke beech mein hoga. One party offers another party and another party accept the terms and condition, it is called an agreement. That means agreement is always done between two or more party. An agreement which is enforceable by law, that means you have some legal rights and obligation, is called contract according to section 2 subsection H of Indian Contract Act. From all the above definition, it is clear that there are mainly two elements in the contract. In definition ke conclusion se hame pata lagta hai ki basically two element hote hain. First, an agreement between the parties, and the second, the agreement must be enforceable by the law. That means आपके पास legal rights होने चाहिए. For example, जिसका object illegal है, for example murder, चोरी, डकैती, क्या इस चीज़ को लेकर हम court में जा सकते हैं? No, not possible. That means we don't have any legal right. So केवल हम legal obligations और rights जिसके मतलब या जिसे हम कहें कि parties जो agreement enforceable by law होगा उसी को हम contract कहेंगे.
सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट। सेक्शन 10 क्लियरली बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। वी कैन से ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कि जो पार्टीज कॉम्पिटेंट है अगर वो अपनी फ्री कंसेंट देती है तो। दैट सिंपली मीन्स कि पार्टीज कॉम्पिटेंट मीन्स द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेजर, दे हैव साउंड माइंड। इज इट क्लियर? कि पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, मतलब जेल में हो तो ऐसे पर्सन को हम कॉम्पिटेंट नहीं मानते। और फ्री कंसेंट का मतलब है बिना किसी दबाव के आपने अपनी सहमति दी। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, जहाँ दोनों पार्टी को रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा, एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, और आपका जो एग्रीमेंट है इसका ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, ठीक है, और जिसे कोर्ट ने या एक्ट ने किसी ने वॉइड डिक्लेयर नहीं किया हो, उसी को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ By analyzing all above definition, it is clear that there are two major elements in contract. वही बात जो ऊपर कही गई थी कि दो एलिमेंट होंगे। First, the contract is an agreement which is created by the acceptance of proposal. Simply means क्या कह रहे हैं हम लोग कि agreement उसे कहेंगे जहाँ होगा offer plus acceptance. ठीक है, इक्वल्स टू एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? नाउ द सेकेंड एलिमेंट इज दिस एग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एंड क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। की जो सेकेंड टर्म है वो हमारी ये पूरी होनी चाहिए, एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन एंड राइट्स। दैट मीन्स एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ is called contract. Is it clear? Now the next topic is essential elements of a valid contract. ki contract ke liye kya kya essential elements honge ye hame padhne hain. yahan se 6th house option pucha ja sakta hai, what are the essential elements of a contract, please explain. The first essential element of a contract is to have two or more parties. To have two or more parties. That simply means कि हमारे इस contract में कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा हो सकती है, मना नहीं है, लेकिन मिनिमम टू पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, अ सिंगल पर्सन कैन नॉट गिव ऑफर टू वन सेल्फ और हिमसेल्फ। कि अपने आप को आप ऑफर दे नहीं सकते, अपने आप से आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे। दैट मीन्स देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ For a valid contract, minimum two person. The first element of any valid contract is to have at least two parties. कम से कम दो party होनी चाहिए. A proposer or promiser and the another. And the other is called offeree or the promiser. जो offer देने वाला है वो offer है, जो accept करेगा वो offeree या proposer और proposee. The proposer holds the proposal and the offeree can accept the proposal. ठीक है, जैसे कि एक मैरिज का एग्जाम्पल दिया है, लाइक मैरिज रिक्वायर टू पार्टीज ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम। इट इज मैंडेटेड टू हैव एट लीस्ट टू पार्टीज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, सच एज लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, बायर एंड सेलर। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स विच रिप्रेजेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वी नीड मिनिमम two parties. Is it clear? The first essential condition is minimum of to have two or more parties. Is it clear?
Remaining essential elements point will be discussed in the next class. Is it clear? If you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Stay home, stay safe. Thank you, students.